बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई सलीम भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको देसी कद्दू और आलू का रायता बनाने का तरीका बताएंगे, वो कैसे बनता है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए हम आपको दिखाते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। 1 किलो मैंने कद्दू लिए थे और इस तरह काट लिए। 1 पाव मैंने आलू लिए थे, 1 पाव मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4, 1 अदद चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, 1 अदद नमक की चम्मच। आए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पानी में 1 चम्मच नमक डालना है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे कद्दू अब पक चुके हैं और आलू भी हमारे पक चुके हैं। अब हम इसे पानी से निकालते हैं। 1 किलो दही लिए मैंने, 1 किलो दही लिए मैंने। कद्दू हमारे उबल चुके थे, अब हमने इसे निचोड़ लिया कपड़े में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे और ये आलू हमारे उबल चुके हैं, ये भी शामिल करेंगे इसमें। प्याज भी शामिल करेंगे इसमें। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो रायता है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। देखिए अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, ठंडा कर हम इसे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा कद्दू और आलू का रायता तैयार है, काली मिर्च वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और आपको नई नई वीडियो वहाँ मिलेगी।